सभी प्रदेशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामना। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सुख समृद्धि और स्वास्थ्य ही अच्छा रहे, और मैं आपको अपील करता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए मास्क का उपयोग आप जरूर करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने आजू बाजू स्वच्छता बनाए रखें। ऐसी मैं आपको अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सभी प्रदेशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ और आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और एक इसके साथ एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि सभी अपने अपने आसपास के विस्तार को सफाई रखें और स्वस्थ रहें। सभी मेरे प्रदेशवासियों की मैं नए साल की शुभकामना देता हूँ। जो गए साल में जो दिक्कतें आई, जो परेशानी हुई, भगवान करके वो परेशानी में सभी अपन बाहर निकले और नया साल लोगों का अच्छा जावे और सब हिल मिल के रहे और देश अपना प्रदेश का विकास होए। सभी प्रशासन, पॉलिटिशियन, पब्लिक सब मिलजुल के काम करें और अपना प्रदेश आगे बढ़े, इसी में सबको मनोकामना देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। दादर नगर हवेली प्रदेशवासी को नमस्कार। और नया साल जो आ रहा है 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं, और 2020 में जो भी तकलीफ पड़ी है उसमें से अभी 2021 नया साल अच्छा जाए और सबको सुख शांति समृद्धि से सज बने। और जो 2021 में जो भी कोरोना की जो महामारी है उसके लिए जो वैक्सीन आ रही है जल्दी से जल्दी आ जाए, लोगों को स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और सबको धंधा रोजगार व्यापार सब सही से चले और सब परिवार के साथ सुख शांति से रहे, समृद्धि से रहे। बस वही शुभकामना के साथ नया साल जाए। सबसे पहले मैं दादरावासियों और प्रदेशवासियों को 2021 का शुभकामना देना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे जो बीता साल अभी 2020 काफ़ी ख़राब गुजरा है कोविड-19 की वजह से, और आने वाला जो साल है वो अच्छा रहे, ऐसी मैं दादरा के सभी प्रदेशवासियों को और नगर हवेली के सभी प्रदेशवासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करें, अपने घर में साफ़ सफाई रखें, अपने बाजू में भी साफ़ सफाई रखें। जो दादरा पंचायत में अभी जो गाड़ियाँ घूम रही है कचरा उसी में डालें या फिर डस्टबिन में कचरा डालें। प्रदेश को स्वच्छ रखोगे तो अपने आप को स्वच्छ पाओगे और प्रदेश को ही गंदा करोगे तो अपने आप को भी गंदा पाओगे। नए साल जो 2021 की सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक शुभेच्छाएँ देता हूँ। गया साल था उसमें कोविड-19 जैसी महामारी से हम बहुत ही बढ़ चढ़ के और बहुत ही चैलेंज फेस करके हम लोग लड़े और डट के सामना किया, तो मैं आप सभी के को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी युवा धन और सभी लोग हम राष्ट्रहित में और हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम आए गत वर्ष में करेंगे।